The topic is builder buyer agreement. I will try to do it as objectively as I can. It is not about क्या होना चाहिए, मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, हमें कवर करना है कि है क्या. So as this is being recorded in the last almost part of February 22, I am going to tell you कि builder buyer agreement हरियाणा और गुड़गांव का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट द सेम थिंग कैन बी एप्लीकेबल एनीवेयर. ठीक है, तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो हिस्टोरिकली पहले होता था उससे कहीं बेटर हो गया. तो अगर 100 का अगर स्केल है तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट अगर 6-7 साल पहले वॉज 15 out of 100, तो टुडे इट इज अबाउट 65-70 out of 100. द बायर विल ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम 100 out of 100, विच इज ओके. गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, बट अभी आप समझ लिए 65 out of 70 है. तो क्या 30 और हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे. और कहां हम जो 10-15 पे थे वहां से कैसे 65-70 पे आए हैं, उस पर चर्चा होगी, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए. पहले बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक कंप्यूटर की प्रिंटआउट होता था और उसका कोई लेना देना नहीं होता था. इट वॉज अ जर्नल पेपर, निकाल के कुछ भी लिख के आपको पकड़ा दिया, उसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं थी. टूडे बिल्डर बायर एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड इन तहसील, वेर इन यू एज अ कस्टमर हैज टू इनकर अ कॉस्ट 5,000 to 10,000 rupees फॉर स्मॉलर प्रॉपर्टीज, बिगर प्रॉपर्टीज 10,000 to 20,000 to 30,000, डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी कितने की है, 50 लाख से कम की, 1 करोड़ की, उसके स्लैब्स बने हुए हैं, ठीक है, 2 करोड़ की, उसका एक उनका रेट लिस्ट है, ठीक है. पर मोटा अंदाजा 10 से 15 से 20 हज़ार रुपये करते हैं, आप में से बहुत सौ ने करी होगी. तो उसकी लीगल स्टैंडिंग है, दैट इज इन एग्रीमेंट विद दिस बिल्डर विद यू एज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी, एंड दिस ही डज विद 500-600,000. सो कल को केस जो होंगे वो इस बिल्डर बायर एग्रीमेंट का उल्लंघन पे इंडिविजुअल डाल सकता है, तो बिल्डर को 1,000 केस भुगतने पड़ेंगे. इससे पहले क्या होता था, वो एक स्टैंडर्ड बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता था, तो कुछ भी गड़बड़ होती थी तो ये सारे वर्सेस बिल्डर हो जाता था, तो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन बिल्डर को बहुत कम झेलनी पड़ती थी. और ये लोगों की एंटिटी कभी इकट्ठे हो नहीं सकती, क्योंकि हर 50 आदमी तो अलग अलग सोचेंगे, ठीक है. सो ये काफी पावरफुल टूल कर दिया है. यस, इसमें आपका खर्चा बढ़ गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया, दैट इज वन, कि भाई आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है. और उसके अंदर आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट में रेरा के हिसाब से द बिल्डर हैज टू टेल द कार्पेट एरिया. पहले क्या होता था, सुपर एरिया कार्पेट एरिया की स्टोरी तो हमेशा से रही है, लेकिन व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट सुपर एरिया इज इक्वल टू कार्पेट एरिया प्लस बिल्ट अप एरिया जो बोलते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन वाला, प्लस कॉमन एरिया का जो आपके हिस्से में आता है, तीन चीज होती थी. तो पहले क्या करता था बिल्डर, सुपर एरिया ज्यादा बता देता था एंड कार्पेट एरिया वो रहता था जैसा, लेकिन उसमें धोखा ये था कि जो फ्री स्पेसिस थी उस पर बाद में टावर्स बना लेता था. नॉर्मली लाइफ में धोखा इज नॉट व्हेन आई कैन ऑलवेज एज ए बिल्डर गिव यू समथिंग फॉर 5,000 square feet सुपर एरिया एंड गिव यू कार्पेट एज 2,000 ओनली, प्रोवाइडेड दैट 3,000 का मेरे पास जस्टिफिकेशन है खुले एमिनिटीज में जो कॉमन एरियाज में आपके हिस्से का, तो यू शुड बी सेटिस्फाइड, बिकॉज इवन इफ यू आर पेइंग फॉर 5,000 सुपर एंड 2,000 इज द कार्पेट, बट यू आर गेटिंग व्हाट द बिल्डर एक्चुअली डिड वाज कि 5,000 की चीज बेचती स्क्वायर फीट, माल दिया 2,000 का, और जो 3 की स्टोरियां सुनाई दिखाई उनमें भी टावर डाल दिए. तो दैट वॉज द धोखा. People have understood it completely wrong. All audience has completely understood it as wrong. कि super area तो गलत चीज होती है और carpet area होता है ये, and ये इस चक्कर में अभी जो नए launches आ रखे हैं उसमें density बढ़ाकर carpet area का ratio with respect to super area अपने आप ही ज्यादा आ गया, क्योंकि common areas कम है divided by flats, तो वो इसको virtue करके बेच रहे हैं. क्योंकि ग्राहक तो मैं क्या बताऊं, रियल एस्टेट की लिटरेसी तो बहुत ही पुअर है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ चुकी है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, डीमैट, इंश्योरेंस, लोन, फलाना धमकाना, लोग शहणे हो रहे हैं, वो वाली लिटरेसी भी बढ़ गई है कंट्री में, तो जो पढ़ाई लिखी. पर ये रियल एस्टेट वाली तो नोबडी इज इवन टीचिंग. दैट्स व्हाई आई कॉल माय सेल्फ नंबर वन, बिकॉज आई एम द ओनली वन हु इज टीचिंग. ये चीजें मैं ही बता रहा हूं, अगर कोई और बता रहा है तो आप बताओ, ठीक है. नो आई विल नॉट मेक वीडियोज ऑन दिस, सम ज्ञान आई विल गिव हेयर ओनली, ठीक है. सारी चीजें समझाई नहीं जा सकती, इट टेक्स टाइम, ठीक है. एंड वो सब चीजें वहीं डाल दोगे तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है, ठीक है. तो देर इज, आप जो ज्वाइन करे हो इस पे तो ये बता रहा हूँ, इस पे हालांकि मैं वीडियो डाल चुका हूँ, बट देन उसको लिंकअप करने में लोगों को टाइम लगता है, ठीक है. तो यहाँ मैं लिंकअप कर रहा हूँ. तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में आपको घबराना नहीं है, पहली बात कि पता नहीं क्या है, पहले उसमें मोटा मोटा चेक कर लो. कार पार्किंग कवर्ड जो बात करी थी, कवर्ड ही लिखी है ना,
क्योंकि बहुत बार उसमें ओपन हो जाती है, ये मोटी गलती। दूसरी, कारपेट एरिया देख लो अपना, रेट देख लो, ठीक है। तीसरी, लोग ये कहते हैं कि मुंह से तो बिल्डर कहता है कि मैं 3 साल में बना के दे दूंगा, और जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट में आके कहता है तो एज पर रेरा, तो इट इज ओके भाई, यू टेक इट एज दैट। ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं होते, बिल्डर ने बोला है मैं 3 साल में बना दूंगा, लेकिन अगर एनजीटी का बैन लग गया उसमें कंस्ट्रक्शन पे, कोविड आ गया, कुछ और कांड हो गया, तो डिले होगा प्रोजेक्ट। तो इतना घबराने की क्या जरूरत है कि उसने 3 बोला है। आप मुझे बताओ, मैंने पेमेंट लिंक प्लान ले रखा है आपका, कंस्ट्रक्शन लिंक 30-40-30, या हर महीने का जो 5वें स्लैब 20वें स्लैब और वाला, मेरी मैंने फ्लैट बेच दिया, मेरे को डिले करके क्या फायदा होगा? यू टेल मी, व्हाट इज माय फायदा एज ए बिल्डर टू डिले? नो बिल्डर एवर वांट्स टू डिले इट, बिल्डर तो वांट्स टू मेक इट फास्ट एंड सेल। That's why these Deen Dayal are coming because why? They can make it in 2 years and sell. They can make it in 2 years and sell. ठीक है? So builder को हर बार ऐसा करना कि धोखा देगा, उसी तरह से सोच के जाना, वो एक बहुत negativity है builder buyer agreement में। दूसरी चीज, builder buyer agreement में आपको किसी provision से तकलीफ है तो please put it in writing, because वो पहले draft में आपको email पे भेजते, you send it back. If you want to gain 1 or 2 months like that, you can always gain. Normally वो उनका law, उनका जो lawyer है वो बना रहा है agreement, आपका कोई lawyer ही नहीं है, आपका कोई lawyer नहीं, उसका lawyer है, तो वो बनाएगा तो उसी तरह की वो protect हो। लेकिन आपको देखना है कि आप, वो तो अपने हिसाब से हर तरह से legally protect हो रहा है, पर RERA itself has created a lot of things in balance of the buyers. So जब RERA की जो date है उस पे तो उसको बनाना ही पड़ेगा, तो रेरा की ही डेट दे लेगा, तो उसमें यू डोंट हैव टू बी देयर। आप लोगों को क्या क्या बिल्डर बायर एग्रीमेंट से घबराहट है, वो यू कैन राइट इन टू एडमिन राइट नाउ, आई विल आंसर दैट। जैसे जो जो आपको डर लगता है कि यार ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशंस लिखी होंगी कि ये वाले बाथरूम की जो टाइल्स हैं, बाथरूम की जो ये कमोड है, ये इस इक्विवेलेंट होगा, ये उस इक्विवेलेंट होगा, शीशे इस तरह के होंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन होगी। उसमें ये भी लिखा जाता है साइज प्लस माइनस 3% वेरी कर सकता है, तो यस इट इज देयर, यू रीड इट वंस एंड डू नॉट बी टू मच अफ्रेड अबाउट इट, ठीक है, कि पता नहीं क्या है। अगर बहुत ही ज्यादा आपको उस बिल्डर के फेवर में लग रहा है, आपको भय ले रहा है, मत खरीदो, बोलो मेरा पैसा वापस। बट देन किसी भी बिल्डर के पास जाओगे, वो आज के दिन अच्छे बिल्डर 70 पे बैठे हैं, खराब बिल्डर 60 पे बैठा है, क्योंकि रेरा ने एंश्योर कर दिया है कि वो जो मैंने स्टोरी बताई थी 0 to 100 वाले में, कि 60 तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट हर रेरा वालों ने बना के बिल्डर्स को दे रखा है, एंड उसको दैट आल्सो कीप्स नीडिंग रिवीजन। अभी लेटेस्ट जो आया है रिवीजन, आई विल टेल यू, कि अब बिल्डर्स को क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एश्योर करनी पड़ेगी, ए प्लस ऐसा ऐसा करके कुछ आ रहा है। मैं उसमें बोलूंगा कि अगर माइवन है तो बस, फिर तो कोई ज्यादा इशू है ही नहीं, ठीक है। एमिनिटीज की बात करते हैं, जहां देखो कोई भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट में कोई भी एमिनिटी प्रॉमिस करता ही नहीं है, देख पढ़ लेना, क्लब हाउस के अंदर क्या होगा कहीं लिखा ही नहीं होता उसको, सो दैट यू हैव टू गो ऑन वर्ड ऑफ माउथ। आप ये सोच लो क्लब हाउस है ही नहीं तो क्या खरीदोगे फ्लैट? नहीं लिख के देगा वो, आप चाहते हैं लिख के दे, वो नहीं लिख के दे रहा, वो फिर वो कहता मत खरीद, नेक्स्ट। और तेजी के मार्केट में बिल्डर बायर एग्रीमेंट और इसी तरह की बनेंगे। नाउ यू हैव टू सी एज ए कस्टमर कि जो मेरे को बताया गया क्या इतने पे मैं ले सकता हूँ। कई लोग इतने ज्यादा जिटरी हो जाते हैं कि नहीं ये क्लब हाउस है, ये इतना बता रहे हैं, पता नहीं उसमें, अब देर इज नो एंड टू राइटिंग। आप बोलोगे, मैं एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, स्विमिंग पूल के अंदर पानी बिल्डर डाल के देगा? मुझे लगता है नहीं डाल के देगा। अब क्या करोगे? वो बोलेगा नहीं, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, पानी की कमी है, स्विमिंग पूल में डलेगा। ओके, थैंक यू आपके स्विमिंग पूल का। किसी ने आज तक, फिर आप पूछोगे ओके स्विमिंग पूल में पानी कितने दिन में बदला जाएगा? एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। फिल्ट्रेशन प्लांट होगा नहीं होगा बताओ? कितने लोग इंप्लॉय करोगे सफाई करने के? क्लोरीन किस मात्रा में डालोगे? आई हैव रिटर्न 1000 क्वेश्चंस लाइक दिस एंड आई हैव गिवन टू द बिल्डर्स। मैंने कहा तुम इनके जवाब कहते सर, इतना तो हमने भी नहीं सोचा। आप बहुत शाणे हैं, अच्छे हैं, और ये सब बता रहे हैं। ग्राहकों को ज्यादा इसका ध्यान मत देना, लोग आके सवाल पूछेंगे, आप भी तो, आपको पता ही नहीं सवाल पूछने क्या है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट कितना लिख के देगा वो? जब हम शादी करते हैं उससे ज्यादा
कोई बड़ा इवेंट नहीं हो रहा लाइफ में डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जिसके पैदा हो गए कुछ कर नहीं सकते, बाप कौन माँ कौन कुछ कर नहीं सकते, भाई कौन कुछ कर नहीं सकते, एक बीवी के टाइम पे सोच सकते। तो जब शादी होती है उसमें अगर कोई एग्रीमेंट हो सपोज, तो क्या क्या लिखोगे बताओ? लीप ऑफ फेथ और ट्रस्ट करना पड़ेगा, दैट्स वाई इसे जुपिटर एलिमेंट बढ़ाना ही पड़ेगा। बीवी खाना बनाएगी, किस क्वालिटी का बनाएगी? मूड खराब होगा तो बनाएगी, नौकरी में बॉस ने डांट दिया होगा बनाएगी, क्या कभी कभी आप भी बनाओगे क्या? कितना भाई कितना, मैं बता रहा हूं, मैं अगर एक यूट्यूब वीडियो बना दूं इस टॉपिक पे तो लोग खरीदना ही बंद कर देंगे पूरे देश में, पागल हो जाएंगे। क्योंकि मुझे तो पता है ना, शीशे लगेंगे आवाज आएगी नहीं आएगी, कितना डेसिपल साउंड ब्रेक होगा। बाय वन कंस्ट्रक्शन में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, मतलब मेरे पास 1000 सवाल है उसमें से 100 भी आंसर नहीं कर सकते ये। मैंने जब मैं खरीदा था तो अब मैं ये लिखता था इनको भी बताओ, तो कहते थे ऑफिस में बुला के कॉफी पिला देता था उनका जो टॉप बंदा होता था कि यार ये हीरा कौन है, ठीक है, और फिर सर आप ऐसे करो ठीक है, यहाँ पे ना आपको होम ऑटोमेशन लगा के दे देते, खुश हो जाओ बहुत, ऐसा कुछ हो जाता था, ठीक है। पर वो अपना बिल्डर बायर का जो होगा वो नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज अगर वो करने लगे तो सबके साथ अलग अलग ना करेंगे कि आपको कुछ ज्ञान बांटेंगे दूसरे को कुछ, वो अपना सोच समझ के एक बना देते हैं और वही उसी पे अटकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा तेजी के मार्केट में कहेंगे नेक्स्ट मत ले, यू हैव ए चॉइस ना, यू हैव ए चॉइस, यू हैव ए चॉइस टू से कि मुझे ये सब चाहिए, ये सब लिख के दे, ही हैज ए चॉइस ऑफ नॉट एग्रीइंग टू इट एंड यू हैव ए चॉइस ऑफ विड्रॉइंग इट। तो आई थिंक इट इज क्वाइट फेयर, जबरदस्ती तो कुछ नहीं हो रही भाई। आप मेरे से घर खरीद रहे हो और आप मुझसे बोल रहे हो कि तू लिख के दे कि ये स्विच किसका होगा, कितने एम्पियर पर आर का होगा, इसमें वायर कौन से वाली होगी, मुझे स्ट्रक्चरल डिजाइन दिखा, इंजीनियरिंग डिजाइन बताए, तो उनका जो CRM होता है वो माल उनको बेचना है, वो ग्राहक को एक लेवल तक बताते, बट अपनी औकात से ज्यादा तो नहीं बता सकते ना। अभी तक तो उनने खुद डिसाइड नहीं किया कि मैंने तार वो इक्विलेंट डाल देते हैं, कौन से वाला लेना है नहीं पता उसे, वो कमोड क्या बोलते हैं सेरा का लगाएगा या हिंदुस्तान वो हिंडवेयर का लगाएगा उसको नहीं पता, वो उसमें भी ये वाला लगा रहा है ये लगा रहा है, वो एक एक लेवल करके बताता है उसका ना जाओ। तो ज्यादातर जो सैंपल फ्लैट होता है वो एक जनरल आइडिया है, ठीक है, उसकी फोटो खींच लो आप और वो एक जनरल आइडिया है कि बस वो उतना आपको दे देगा, बाकी लीप ऑफ फेथ करना ही पड़ेगा। तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट इज क्वाइट गुड टू दीज डेज, बट यस देर इज 70 से मैंने बोला ना 100 जाने की लिमिट है, तो 100 अब वो धीरे धीरे ही जाएगा, बहुत उसको करोगे तो वो धीरे धीरे ही जाएगा। और भी उसमें लकुनाज हैं, मैं कुछ बताऊंगा आपको, अभी इतना ही रिकॉर्डिंग पे बता सकते हैं, वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।